महाराष्ट्र के चिपलून शहर से एक निर्माणाधीन हाईवे के ढह जाने की खबर सामने आई है। चिपलून में 16 अक्टूबर को सुबह मुंबई गोवा फोरलेन हाईवे के निर्माणाधीन स्थल पर एक खंभा ढह गया। इसके तुरंत बाद फ्लाईओवर का एक बड़ा हिस्सा भी ढह गया। हाईवे साइट पर इस्तेमाल की जा रही क्रेन मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन बता दें कि इस हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना अब तक नहीं है। लेकिन स्थानीय लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने दौरा करने गए बिल्डर पर अपना गुस्सा भी निकाला। इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा सदस्य और एनसीपी सांसद ने ट्वीट कर सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता भास्कर जाधव मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तर हा जो मुंबई गोवा हायवे नंबर 66 आहे हा केवळ राज्यापुरेसा मर्यादित अशा प्रकारचा नॅशनल हायवे नाही, तर दोन राज्य जोडणारा हा नॅशनल हायवे आहे। आणि हा दोन राज्य जोडणारा नॅशनल हायवे हा गेली 12 वर्ष रखडलेला आहे आणि हा रस्ता व्हावा म्हणून केवळ आम्ही लोकप्रतिनिधी नाही तर जाना जाना असं वाटतं। शिवसेना यूबीटी के अलावा मनसे ने भी सरकार पर हमला बोला है। योगेश चिले ने शिंदे और फडणवीस की नौटंकी बताई है। स्वतःला कोकणचं सुपुत्र म्हणून गणपतीपूर्वी 8 पाहणी दौरे करणारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण गणपतीनंतर मात्र मुंबई गोवा महामार्गाला विसरले। आम्ही तेव्हाही सांगत होतो की पाहणी दौऱ्यांची नौटंकी करण्यापेक्षा कामाच्या दर्जाकडे लक्ष द्या। तेव्हा कामाच्या दर्जाकडे लक्ष दिलं नाही, आज तुम्ही आम्ही त्याची पोनखोर सुद्धा केली होती। लेकिन इन सबके बीच लोक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण आज सुबह चिपलून में बहादुर शेख नाका का दौरा करने पहुंचे और मुंबई गोवा राजमार्ग पर ढह गए निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। खरतर काल झालेली ही घटना जी आहे ती अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना आहे आणि आपल्याला माहित आहे की हा संपूर्ण जो ब्रिज आहे 2 किलोमीटरचा जवळजवळ असणारा हा ब्रिज आहे। या ब्रिजमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी काम सुरू होतं खरं तर यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं असं की असं होतं आहे। बता दें कि इस हाईवे के क्षतिग्रस्त का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले इस फोरलेन हाईवे का एक हिस्सा बीच से टूटता है, इसके बाद हाईवे का वो पूरा हिस्सा ही टूटकर जमीन पर गिर जाता है। हाईवे अभी निर्माणाधीन था जिसकी वजह से उस पर लोगों की भीड़ नहीं थी। बता दें कि इस हादसे के बाद आसपास के लोग एकदम घबरा जाते हैं और सब भागकर घटनास्थल के पास पहुंचते हैं।